बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। एक क्विक रेसिपी आज आपको बनाना सिखा रहा हूँ। ये मेरे पास ऑर्डर की रेसिपी थी, मैंने कहा चले आपको रेसिपी भी सिखा देता हूँ। इसको डाका फिश भी कहते हैं, सिस्मी फ्राइड फिश भी कहते हैं और तिलमिल फ्राइड फिश भी कहते हैं। तो आए रेसिपी की तरफ चलते हैं जी व्यूअर्स। क्विक रेसिपी है जी। सबसे पहले क्या करेंगे हम, तकरीबन इसके लिए 6 टेबल स्पून मैदा डाल लेंगे। ये 1 किलो फिश की रेसिपी है, आप ज़रा याद रखिएगा, बल्कि 6 की बजाय 8 डाल लेते हैं। 8 टेबल स्पून इसमें हम जो है ना आगे हमारे मैदे के। उसके बाद हमने क्या करना है, बाकी चीज़ें हम जो है ना टीस्पून के हिसाब से डाल लेते हैं। 1 टीस्पून हमारी ब्लैक पेपर आ जाएगी, 1 टीस्पून हमारा जो है ना सॉल्ट आ जाएगा और 1 टीस्पून हमारी हल्दी सिर्फ जो है ना कलर देने के लिए आ जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद ये हाफ एग है, हाफ एग इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है लेमन जूस। लेमन जूस जो है ना आप वैसे अगर फ्रेश नींबू कर लें तो बहुत ही अच्छा है, वरना आप कोई भी ब्रांड का लेमन जूस ले लें तो 2 टेबल स्पून ये शामिल कर लें। उसके बाद इसको चॉप लहसुन फाइन चॉप कर लेना है आपने इसको, ये तकरीबन आप लगा लें। और इसको अच्छी तरह जो है ना तिल लगा लेने हैं दोनों तीनों साइडों पे, ठीक है जी। और जैसे ही तिल लग जाएंगे इसको हल्का सा झाड़ लेना है और इसी तरह से हमने पूरी फिश को तिलों से भर देना है, क्योंकि तिल फ्राई के दौरान जो है ना थोड़े से उतरते भी हैं, तो लिहाजा आपने ज़रा अच्छी क्वान्टिटी तिलों की थोड़ा सा इसको फिर झाड़ ले और ये इस तरह से आपने सारी फिश को तिल लगा लेने हैं जी व्यूअर्स। ये इस तरह से हमने तिलों की ऊपर कोटिंग कर लेनी है अच्छी तरह, इसको तिल हमने लगा लेने हैं और फिर हमने इसको चूल्हा तेज़ करके फ्राई कर लेना है। चूल्हा आपका तेज़, ऑयल का टेम्परेचर सही होना चाहिए, क्योंकि अगर कम हो तो फिर ये तिल ऊपर से उतर जाते हैं और इसकी खूबसूरती बरकरार नहीं रहती, टेस्ट इसका बरकरार रहता है। लेकिन ये है कि बेहतर यही है कि आप तेज़ चूल्हे पर इसको फ्राई करें। ये बीच में डाल दिया, इसको मैक्सिमम हमने 3 मिनट फ्राई करना है तो ये फिश हमारी रेडी हो जाएगी जी व्यूअर्स। इसको फिश को 3 मिनट हो गए हैं, इसका आपने कर लेना है चूल्हा हल्का और इसको आपने निकाल लेना है इसमें से, कढ़ाई में से, और फिर इसको आपने सर्व कर देना है। इस तरह की वैरायटियां आपको कोई भी नहीं सिखाएगा, लिहाजा आपका फ़र्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें दुआओं में याद रखें। इस तरह से आप इसको प्रेजेंट भी कर सकते हैं। मैंने चूंकि ये आपको दिखाने के लिए की तो मैंने काम की, बाकी फिश फ्राई हो रही है तो इस तरह से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं।